हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू गणेश सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई का एईपीएस सिस्टम को लेके। हाल ही में एसबीआई का जो एईपीएस है, चाहे आप किसी भी पोर्टल में या किसी भी कंपनी का एक रिटेलर है, आप एईपीएस में काम कर रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसबीआई का कस्टमर मिल जाएगा। इंडिया का हर कोई गली में, इंडिया का हर कोई स्टेट में ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जब को आपको एसबीआई का ग्राहक नहीं मिलेगा। एसबीआई का ग्राहक इतना ज़्यादा है कि इंडिया का सबसे सबसे बड़ा जो है बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई का ग्राहक होता है। सो अगर एसबीआई का ये ग्राहक एईपीएस में अभी फ़िलहाल ट्रांजेक्शन कोई भी एईपीएस में पैसा नहीं ले पा रहा है, एईपीएस में आप पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि एसबीआई का सर्वर में इशू चल रहा है, तो क्या एसबीआई ने उनका एईपीएस सिस्टम को ऑफ करके रखा है और क्या अब ये नहीं होगा? ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि एसबीआई का ऐसा अभी एईपीएस में काम होता है ये बंद कर देगा, क्योंकि एसबीआई का इतने ज़्यादा ग्राहक है और अगर एसबीआई ने ऐसा करता है तो एईपीएस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज जरूर देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि एसबीआई का सर्वर में कुछ काम चल रहा है जिसके कारण ये एईपीएस ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जल्द से जल्द एसबीआई ने ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कर देगा और फिर से यहाँ पे एईपीएस ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है और अगर आप किसी दूसरे बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, आप सिर्फ एक ही आपका अकाउंट है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द दूसरा एक बैंक का अकाउंट खोल ले और यहाँ पे कुछ पैसा आप उसमें रखिए। जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है एसबीआई का एईपीएस को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर जो एसबीआई में अपना पैसा रखता है एसबीआई में, उनका कारण वो पैसा होते ही उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि आप एक ही अकाउंट को चूज कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी दूसरा बैंक में आपका अकाउंट है और एसबीआई में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ये प्रॉब्लम आप दूसरा बैंक में वो पैसा आपका जो जमा था वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट खोल लें, लेकिन आपके पास दो अकाउंट होना चाहिए, आप सिर्फ एक अकाउंट के भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अभी अगर आपके पास अभी भी एक ही अकाउंट है और सिर्फ एसबीआई के अकाउंट है तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इसमें आपको बैंक में कतार लगाना होगा, उसके बाद आप 1000 रुपया विड्रॉल करने भी आपको बैंक जाना होगा। आप जो एईपीएस में मज़ा ले रहे थे, हम लोगों का जैसा जो छोटा सी पॉइंट था या किसी एईपीएस बैंक एईपीएस मिनी ब्रांच था जो एईपीएस में काम करते हैं, उन लोगों के पास जाके आप छोटे से छोटा अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का अकाउंट है और आप अभी 1000 रुपये विड्रॉल करने में भी आपको बैंक जाना पड़ेगा, सो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। आप जल्द से जल्द किसी दूसरे बैंक में एक अकाउंट खोलें और वहाँ पर कुछ अमाउंट वहाँ पर रख दीजिए। सो और मेरे को जैसा लगता है यहाँ पे और दो एक दिन बाद या हो सकता है आज ही एसबीआई का सर्वर ठीक हो जाए और आप फिर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ये इंफॉर्मेशन अपना फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।